युद्ध, ठीक है, आंगर मैसूर युद्ध जो है वो अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली के साथ जो है वो लड़ा गया। और इस युद्ध में हैदर अली की जो है भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण है। हैदर अली की अगर हम बात करें तो हैदर अली का जन्म जो है वो 1722 ईस्वी में हुआ था और शुरू से ही बहुत ही प्रतिभाशाली जो था ये व्यक्ति था, बालक था, और सैन्य योग्यता इसके साथ साथ प्रशासनिक योग्यता जो है इसके अंदर ये गुण जो है इसमें बचपन से ही इसके अंदर आ गए थे। शुरू में जो था ये इधर ये जो आपके वांड्या वंश जो कि मैसूर में का था उस वंश के अधीन जो था ये सेनापति के पद पर घुड़सवार सैनिक के पद पर ये भर्ती हुआ था और धीरे धीरे अपनी योग्यता के चलते ये सेनापति के पद तक पहुंच गया था। और इसके साथ साथ इसने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि इसने जिसके अधीन ये नंद राज के अधीन ये काम कर रहा था उसकी मृत्यु उसकी हत्या करके इसने मैसूर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। और मैसूर पर अधिकार करने के बाद जो था इसने डिंडीगुल एक स्थान है वहां पर एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। फ्रांसीसियों के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है, फ्रांसीसी ने जो था समय समय पर हैदर अली की मदद की और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अंग्रेज जो थे वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि अंग्रेज के अगर विदेशी शक्तियों की बात करें तो उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, जबकि आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा था। अब जो था फ्रांसीसी कुछ ही क्षेत्र में सिमट कर रह गए थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये लगता था कि अगर हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ अगर मिल जाता है तो उनके लिए आगे समस्या उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जो था अंग्रेज जब उन्हें बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार मिल गया यानी कि राजस्व का अधिकार मिल गया, कब मिला था उन्हें 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद, तो उनकी शक्ति जो थी वो काफी बढ़ गई थी। तो उस समय की हम बात करें तो उस समय ये इलाका जो था ये अंग्रेजों के पास था, ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार था यहाँ पे, ये बंगाल बिहार और उड़ीसा का इलाका है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब जो है अंग्रेज दक्षिण भारत की तरफ अपना ध्यान करेंगे कि दक्षिण भारत पर हमें अपना अधिकार करना है। कि दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत बहुत ही रिच इलाका है, बहुत ही उपजाऊ इलाका है, लेकिन उसमें से भी अगर हम बात करें तो कुछ एक क्षेत्र जो थे उसको ही अंग्रेज अपना टारगेट बनाना चाहते थे। दक्षिण भारत की इसमें जो था ये आंध्र मराठा युग से पहले की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था, ये था बहमनी राज्य, क्या था बहमनी राज्य, और ये इस पर डिवाइड हो गया था, ये कितने भागों में बट गया था पांच में, पांच भागों में कौन सा था अहमदनगर गोलकुंडा बीदर बरा बीजा, ठीक है ना, ये पांच भागों में डिवाइड हो गया था। और इस हिस्से में कौन था ये था विजयनगर नगर साम्राज्य। अब बहमनी ने विजयनगर पर अटैक किया और इसी को कौन से युद्ध में हरा दिया तालीकोट का युद्ध, बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में तालीकोट के युद्ध में इसको हरा दिया। अब ये हार गया तो इसका डिवीजन हो गई क्योंकि बटेगा, तो इस इलाके से यानी कि विजयनगर से ही ये इलाका निकला था, ये इलाका कौन सा था मैसूर का इलाका, कौन सा था मैसूर का इलाका, ये आ गया आपका मैसूर, ठीक है। और यहां पर उस समय केरल में कौन सा था एक और राज्य था वो था त्रावणकोर, क्या था त्रावणकोर, मैं अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध क्या था, ठीक है। और ये इलाका उस समय कौन सा इलाका था कर्नाटक का इलाका, लेकिन उस समय ये कर्नाटक का इलाका कहलाता और आज प्रेजेंट की हम देखें तो ये कौन
और जो कि पहले पांडी चेरी के नाम से जाना जाता था, पांडिचेरी, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने लीज पर जमीन लेकर कौन सा किला बना लिया था, किला कौन सा बनाया था यहाँ पे, जॉर्ज का किला। और दो किले थे यहाँ पर, कौन सा था, फोर्ट विलियम। यहाँ पे फोर्ट, इसी की वजह से तो यहाँ पर युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। फोर्ट विलियम का पर अधिकार कर लिया था किसने, सिराजू दौला ने, इस पर अंग्रेजों से इसको छीन लिया था और इसकी वजह से ये यहाँ पर युद्ध हुआ था। और ये इलाका हो गया, ठीक है, ये इलाका किसके उसमें आ गया, अंग्रेजों के। त्रावण हो रहा है, ये भी किसका था, अंग्रेजों का मित्र है। अब ये इलाके रहते यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, निजाम यहाँ पर थे निजाम, ठीक है। और ये इलाका जो था, ये ऊपर तक इलाका जो था, ये था मराठों का इलाका, यानी कि उस समय पेशवा यहाँ पर शासन कर रहे थे, ये आ गया आपके मराठा, ठीक है। अब ये इलाका है, ठीक है, ये सारा। अब अंग्रेज जो है वो किस पर आक्रमण करेंगे, ये इलाके आ गया दक्षिण भारत पर उनकी नजर जाएगी, तो दक्षिण भारत के या तो वो निजाम पर आक्रमण करेंगे या पेशवा पर या मैसूर पर, ठीक है। तो निजामों को ये लगा कि अगर तुम पर आक्रमण करेंगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए इनको अंग्रेजों को खुश करने के लिए यहाँ का जो ये इलाका है, इधर दक्षिणी सरकार का जो इलाका है, तो सॉरी उत्तरी सरकार का ये जो इलाका है, ये निजाम ने अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दिया कि आप इस पर अपना अधिकार रखें और जब भी अगर कोई शत्रु हम पर आक्रमण करेगा तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि इसके साथ मित्रता करिए। अब अंग्रेज निजाम पर तो अधिकार नहीं करेंगे ना, इसका मित्र बन गया। और उसके बाद ये इलाका आ गया आपका कर्नाटक का इलाका, यहाँ पर इनका खुद का किला है, खुद का इनका अधिकार है, तो यहाँ पर भी नहीं वो करेंगे। फिर आ गया आपका त्रावणकोर का शासक जो है वो अंग्रेजों का मित्र है, उठ बैठ जाएंगे तो मित्र इस पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। फिर रह जाते हैं पेशवा और मैसूर, ठीक है। पेशवा जो है उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली शक्ति थी, इनका जो है ये कहां तक बढ़ते जा रहा है, इनका प्रभाव जो था वो इधर मुगलों तक बढ़ता जा रहा है, मुगलों तक, ठीक है। तो इनकी शक्ति यानी कि ये दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे मुगलों पर, उस समय इतने शक्तिशाली थे कि अंग्रेज जो है वो इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते उस समय के, कि हमें अभी इनसे युद्ध नहीं करना, पंगा नहीं लेना है। तो बचा कौन, मैसूर। तो अब किस पर आक्रमण किया जाएगा, मैसूर। ये बात जो था यहाँ का जो शासक था, कौन था यहाँ का शासक, हैदर अली। उसको पता था कि अगर अंग्रेज दक्षिण भारत पर आक्रमण करते हैं तो उनका टारगेट कौन होगा, मैसूर होगा, ठीक है। तो इस समय जो ये स्थिति थी, उस समय पेशवा जो थे अहमद शाह अली ने पेशवा इस पर मराठों पर आक्रमण किया था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, आपको पता है किसके मध्य हुआ था, अब्दाली के बीच कब हुआ था, 1761 में, ठीक है। तो उस युद्ध में पेशवा जो थे, मराठा जो थे, वो ये युद्ध हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली युद्ध में जीता था, 1761 में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली, मराठा हार गए थे। तो इनकी शक्ति कहीं ना कहीं जो थी वो कम दिखने लगी थी, क्यों, जो हार जाएगा उसका प्रभाव तो कम दिखेगा ही ना दूसरे को, और जब ये युद्ध में उलझे होते उस समय हैदर अली ने अपने आप को बहुत ज्यादा समृद्ध बना लिया था, सेना के रूप में अपने आप को शक्तिशाली बना लिया था। अब पेशवा जो थे वो उनको ये समझ में आ गया था कि अब या तो उनका जो सम्मान है वो अगर वो मैसूर पर अधिकार कर लेते तो वो सम्मान उनका वापिस मिल जाएगा, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने किस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, मैसूर पर। मैसूर पर आक्रमण करेंगे और मैसूर को अपना, तो ये उसको पता था कि वो मैसूर पर आक्रमण होने वाला, मैसूर आक्रमण इनका हो गया। उस समय अंग्रेजों ने क्या कहा निजाम से कि तुम भी मैसूर पर आक्रमण कर दो। जब अंग्रेजों ने ये कहा तो मैसूर निजाम जो था वो मान गया, ठीक है हम इस पर मैसूर पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन उस समय हैदर अली ने सूझबूझ से काम लेते हुए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मराठा भी उस पर आक्रमण कर रहे हैं और निजाम भी आक्रमण कर रहा है, दो के साथ एक साथ वो नहीं लड़ सकता, तो हार उसकी हो
सकती है, यानी कि परिणाम उसके उलट भी आ सकते हैं। तो ऐसे उसने उसने क्या कहा कि मैसूर हैदर अली ने केशव के साथ जो था एक गुप्त बैठक की, आप कह सकते हैं कि उन्होंने इनके साथ वार्ता की, और उस वार्ता में या उस बातचीत में ये कहा गया कि हैदर अली बोला कि ना ठीक है, मैं आपकी अपनी हार बिना लड़े स्वीकार कर लेता हूँ, और आप इसके और इसके बदले में आपको कितने 30 लाख रुपए जो थे वो मैं आपको दूंगा। तो पेशवाओं को बिना लड़े 30 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो मान गए, ठीक है। इसके साथ ही पेशवाओं ने निजाम को भी समझा दिया कि तुम अंग्रेजों के कहने पर तुम इस पर मैसूर पर आक्रमण कर रहे हो, अगर कहीं ना कहीं अगर अंग्रेजों ने आपकी मदद नहीं की तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है आपको नुकसान हो। तो निजाम जो था वो भी मान गए कि ठीक है हम नहीं करेंगे। तो शांति से जो था यह मामला उन्होंने सुलझा लिया, लेकिन अंग्रेज जो थे उनकी नजर मैसूर पर थी कि मैसूर पर अधिकार करना ही करना है। कारण क्या थे मैसूर पर अधिकार करने के, कि मैसूर जो था वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत था, आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी अच्छी थी। एक तो क्यों, क्योंकि यहाँ की जो इनके बंदरगाह थी एक पर्सनल बंदरगाह थी, अपनी बंदरगाह थी जो कि किस उसका नाम क्या था माही, माही बंदरगाह थी, और इसके साथ साथ कृषि भी यहाँ पर अच्छी होती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इमरती लकड़ियां जो थी वो बहुत कि चंदन जो था चंदन के वृक्ष यहाँ पे जंगल थे जंगल के, और चंदन जो है बहुत ही अमूल्य लकड़ी माना गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो था यहाँ पर रेशम का व्यापार भी बहुत होता था, अपनी बंदरगाह थी तो व्यापार के लिए भी आसानी थी, विदेशों से भी व्यापार होता था, और अंग्रेज जो थे यहाँ की आर्थिक स्थिति जो मजबूती उसको देख रहे थे, और इसके साथ साथ ये बंदरगाह जो थे उस पर अधिकार करना चाहते ताकि व्यापार जो है उनको उसको बढ़ा सके। तो अंग्रेजों ने जो था ये तो मना कर दिया इन्होंने, ठीक है हम नहीं, उनका सेटलमेंट इनकी हो गई। तो अब अंग्रेजों जो थे उन्होंने मद्रास जहां पर उनका किला था वहां से आक्रमण किया, किस पर, मैसूर पर, और उस समय मैसूर का शासक कौन था, हैदर। ये युद्ध जो था क्या कहलाया था, प्रथम आंगन मैसूर युद्ध, प्रथम युद्ध कहलाया था, जो कि कब से कब हुआ था, 1767 से 1769 तक ये प्रथम आंगन मैसूर युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो था अंग्रेजों को हैदर अली ने इतनी बुरी तरह से हराया था कि उन्हें भागकर अपने किले में शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है। और हैदर अली ने वहीं पर किले में जाकर एक संधि की थी, और वो संधि क्या कहलाई थी, मैसूर इसकी मद्रास की संधि, क्या कहलाई थी, मद्रास की संधि। और ये संधि कब हुई थी, 1769 में, यानी कि युद्ध खत्म हुआ था तब ये संधि हुई थी। और इस संधि में जो था हैदर अली ने ये कहा कि आप जो हर्जाना हुआ है युद्ध की क्षतिपूर्ति का पैसा जो है वो आप हमें देंगे, इसके साथ साथ जो है आगे भविष्य में अगर कोई भी शक्ति हम पर आक्रमण करती है तो आपको सेना से हमारी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हैदर अली चाहता तो पूर्ण रूप से मद्रास पर अधिकार कर सकता था, वो यहाँ पर मद्रास के किले तक पहुंच गया था, किला उसके अधिकार में था, ठीक है। लेकिन हैदर अली जो था वो उसने ऐसा नहीं किया, कारण आप दे सकते हैं क्यों, क्योंकि जो था अन्य जो शक्तियां थी, पेशवा था, निजाम था, मुगल था, ठीक है, ये इनसे अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया कि मित्रता का हाथ बढ़ा लेना ज्यादा उचित है, कि अगर कहीं से भी अगर आक्रमण होता तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ कर्नाटक का कुछ हिस्सा जो था वो निजाम को भी दे दिया था इस संधि के तहत। तो ये संधि हुई मद्रास की संधि 1769 में, और इसकी वजह से जो था ये आंगन प्रथम युद्ध जो था वो शांत हो गया था कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो था अंग्रेज जो थे अपना इसका बदला लेना चाह रहे थे, तो दूसरा जो था आंगन मैसूर युद्ध जो था वो हुआ था, और दूसरा आंगन मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के मध्य हुआ था ये दूसरा आंगन मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में जो था हैदर अली ने पेशवा और निजाम जो थे इनको अपने साथ मिला लिया, यानी कि आप हमारी मदद करो, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने जो था वो ये कहा
बनाए थे, यानी कि आक्रमण किया था और उसमें पेशवाओं को कुछ हिस्सा जो था अपना गवाना पड़ा था। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो आगे देखेंगे, अब तो जो हो गया होगा। तो इसके चलते जब तक पेशवा अंग्रेजों से नाराज थे तो किसकी मदद करेंगे, हैदराबाद की। इसके साथ साथ निजाम प्रथम संधि के अंदर कर्नाटक का हिस्सा जो था वो निजाम को दिया गया था कुछ हिस्सा, लेकिन अंग्रेजों ने उसे वो नहीं दिया था, ठीक है ना। हैदर अली ने तो इनको दे दिया था लेकिन अंग्रेजों ने उसको नहीं दिया था। तो ये संधि पर तोड़ने का आरोप जो था वो अंग्रेजों पर लगाया था। तो निजाम ने किसका साथ दे रहा है, मैं सोचना। तो अब इस युद्ध में आंगल देवता युद्ध में कौन साथ आ गए, हैदर अली मराठा और निजाम, और किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो इस युद्ध में शुरू में तो था ये सब सही चल रहा था, लेकिन बीच में दो साल तक जो था 1782 तक जो था ये सेना जो थी वो अंग्रेजों पर भारी पड़ी थी हैदर अली की। लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और अब कौन संभाल रहा है उसका बेटा टीपू सुल्तान जो था वो युद्ध की राज्य किसने कमान संभाल ली, कमान संभालने के की वजह से जो था बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जिससे कि थोड़ा सा स्थिति जो थी वो कम हो गई थी, ठीक है। जो प्रभाव 1782 तक हैदर अली की सेना का था उसमें थोड़ा सा कमी आ गई थी, लेकिन उसमें अंग्रेजों को काफी समय तक ये पता नहीं चला था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इतने अच्छे तरीके से टीपू सुल्तान ने सारी व्यवस्थाओं को संभाल लिया। तो 82 से 1784 तक ये युद्ध किसने लड़ा था, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने ये युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा था। तो काफी लंबा ये युद्ध हो गया था और इसके बाद जो था अंग्रेजों ने जो था पेशवाओं और निजाम को अपनी तरफ कर लिया था। उन्होंने कहा कि आप ठीक है मत इसकी सहायता मत करो, किसी की मत करो, आप शिथिल रहो, यानी कि न्यूट्रल वो कर दिया था कि आप इस युद्ध से अलग रहो, ठीक है। तो दो चार साल ये युद्ध लड़ा, काफी लंबा हो गया था, दोनों जो थे परेशान हो गए थे, पेशवा सॉरी हैदर अली जो था वो भी लंबे युद्ध से परेशान हो गया था, अंग्रेज भी परेशान हो गए थे। तो दोनों जो थे युद्ध विराम चाहते थे। तो एक संधि की गई और वो संधि जो थी 1784 में हुई और ये संधि जो थी वो क्या कहलाई, मैंगलोर की संधि, क्या कहलाई, मैंगलोर की संधि कहलाई। और इस संधि में क्या कहा गया कि संधि की शर्तें क्या थी कि आप हम जो है आपस में एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते हैं वो उसको वापस लौटा देंगे, एक दूसरे को वापस कर देंगे ये क्षेत्र, और इसके साथ साथ एक दूसरे के जो युद्ध बंदी हैं उनको भी हम रिहा कर देंगे। और ये आप कह सकते हैं कि इस संधि की वजह से आगे आने वाले 7 सालों तक कोई भी युद्ध जो था वो आपस में का नहीं हुआ था, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा युद्ध, ठीक है। तीसरा युद्ध अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत नहीं की, ठीक है, लेकिन लड़ा इसके अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य गया था। कारण क्या था कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया था, त्रावणकोर किसका मित्र है, अंग्रेजों का मित्र है। तो अंग्रेज जो थे इसकी मदद के लिए आ गए थे और अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था, ठीक है, शुरुआत होने का। तो उसने इनका युद्ध जो था दोनों के मध्य हुआ, इसके अंग्रेजों के और मैसूर के यानी कि टीपू सुल्तान के मध्य। और ये तीसरा युद्ध जो था वो कब हुआ था, 1790 से 1792 तक में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो था अब जो पहले सेकंड युद्ध में पेशवा और निजाम किसकी मदद को तैयार हो गए थे, टीपू सुल्तान की मदद को, लेकिन अब जो था इसमें किसके अंग्रेजों के साथ आ गए। इसके कुछ कारण थे कि अब जो है इन्होंने अपनी पार्टी जो थी वो बदल ली थी। उसका कारण ये था कि पेशवा जो थे वो टीपू सुल्तान से नफरत करने लगे थे। टीपू सुल्तान जो था वो मुस्लिम था और उसने भी औरंगजेब जैसी नीति जो थी वो दक्षिण भारत में अपनानी शुरू कर दी थी। औरंगजेब की क्या नीति थी, हिंदू विरोधी नीति थी ना, तो वही नीति इसने अपनाई। और जो थे मराठा जो थे वो हिंदू थे, हिंदू शाही शासन स्थापित करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो था टीपू सुल्तान का साथ देने से मना कर दिया।
निजाम, निजाम को ये लगा जब मराठा जो है इसका साथ नहीं दे रहे तो हम क्यों थे, तो वो किसके साथ आ गए, अंग्रेजों के साथ आ गए। अब अंग्रेजों के साथ कौन हो गया, पेशवा और निजाम। दूसरी तरफ कौन है, टीपू सुल्तान, ठीक है। तो तीनों की संयुक्त सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया। ये आक्रमण जो था वो इतना खतरनाक था, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान ने भी बहुत जबरदस्त अपना प्रदर्शन किया था, लेकिन शीघ्र ही मैसूर की राजधानी जो थी, टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, इस पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब राजधानी में, सीमांतीय प्रदेशों में अगर अधिकार होता है तो भी शासक जो है अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन जब राजधानी पर ही अधिकार होता है तो पूरा जो उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। और टीपू सुल्तान को जो है वो गद्दी बना दिया गया। दोनों के मध्य जो है वो संधि होती है, और वो संधि क्या कहलाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये संधि कहलाती है, 1792 ईस्वी में थी, कौन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये बहुत ही आप कह सकते हैं टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक संधि थी, एक तो कि उसकी राजधानी पर उन्होंने तक आ गए थे, उस पर अधिकार कर लिया था, और इस संधि में अंग्रेजों ने मांगा क्या, 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में मांगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब तक आप ये हर्जाने का पैसा नहीं देंगे तब तक आप इसके के लिए आपकी दो पुत्रों को हम अपने पास रखेंगे, और जब आप पैसा वापस पूरा पैसा चुका देंगे तो आपके पुत्रों को वापस रख दिया जाए, वापस दे दिया जाएगा, यानी कि जमानत के रूप में किसके बच्चों को, टीपू सुल्तान के 2 छोटे बच्चे, अल्प आयु के बच्चे थे, उनको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो अपमान लग गया, वो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाया। इसके साथ साथ मैसूर का बहुत सा इलाका जो था वो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया, और उस इलाके को कितने भागों में बांटा, उन्होंने 3 भागों में, क्योंकि जब ये आंगल मैसूर युद्ध हुआ, पेशवा और निजाम उसके साथ आए, तो अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम जो भी जीतेंगे उसको 3 हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। तो अब ये युद्ध जो है इस संधि के तहत जो है वो समाप्त हो गया, यानी कि 1792 ईस्वी में। अब इतना बड़ा अपमान टीपू सुल्तान का हुआ है, उस अपमान का